अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। बचपन से हर साल मेरी बेटी इतनी ज़िद्दी तब से हर साल डिपोर्ट दी है। इतने सालों में ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। फ्री ये सब मेरी गलती है। मैं भाभी को टाइम पर इन्फॉर्म कर देती तो ये सब नहीं होता। मटकी ऐसे कैसे ब्लास्ट हो सकती है? हम ठीक है ना? बोलो ना ठीक है ना? उसने उसने आंखें खोली, होश आया उसे। ये सब कुछ हुआ तो नहीं ना तुझे? गॉड प्लीज प्लीज मेरी अमृता भाभी को कुछ मत होने देना। आंटी प्लीज शांत हो जाइए। अमृता भाभी आपको इस हाल में देखेगी तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। मटकी में बारूद किससे डाला था? जवाब तो वही दे सकता है ना जिसने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया। लापरवाही तो वही से शुरू हुई। हाँ, हाँ एकदम बराबर कह रही आप। मैं हूँ वो लापरवाह माँ। ये सब कुछ मैंने ही किया है। वो मटके में बारूद ना मैंने रखा था। जैसे उस दिन झूले में जानबूझकर विस्फोट मैंने ही करवाया, वैसे आज भी मटके में बारूद मैंने ही रखा था ताकि मेरी खुद की बेटी को चोट लगे। येड़ी हूँ ना मैं, एकदम येड़ी। कुछ अक्ल नहीं है मुझ में। अपनी बेटी की जान बार बार खतरे में डालती रहती हूँ। वो डॉक्टर को बोलो पहले मेरा इलाज करे, किसी अस्पताल पागलखाने में भेज दे मुझे। प्लीज भवानी जी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। इतना बड़ा हादसा हुआ है, हमें भी तकलीफ हुई है। तकलीफ? आपको तकलीफ हुई? बताइए ना कहाँ तकलीफ हुई? आपको तो यहाँ तकलीफ हो ही नहीं सकती क्योंकि आपकी दिल की जगह खाली है, बिल्कुल खाली। मेरे दिल की चिंता मत कीजिए आप। इतना बड़ा हादसा हुआ, सोचना पड़ेगा ना कैसे हुआ है। कंपटीशन के लिए दो मटकी आई थी जिसमें से एक मटकी अमृता के हाथ से टूट गई। गलती आपकी बेटी की थी लेकिन इल्जाम मेरे बेटे ने अपने सर पर ले लिया। मम, उसकी गलती होने के बावजूद क्या करूं? सबको बता दूं क्या उस बारूद की बोतल के बारे में? वैसे तो हर बार आपकी अमृता लाइन में आगे खड़ी हो जाती है, सच बोलने से जरा भी नहीं चुकती। फिर अब क्या हुआ? चुप क्यों हो गए वो? और एक मिनट, जब अमृता और विराट मटकी तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ रहे थे तो वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। हाँ, उसके कान में मैंने हेडफोन्स देखे थे। ऐसे वक्त पर किससे इतनी अर्जेंट बात हो रही थी? क्या प्लानिंग हो रही थी? किसी को कुछ मालूम है इसमें से? वाह मस्ता, वाह। बताइए
इस सवाल का आपके पास जवाब है? बताओ विराट, है जवाब? काश मैंने भाभी को कॉल करने से पहले सब कुछ अच्छे से चेक कर लिया होता। नहीं पता ना? नहीं पता? मैं बताती हूँ, मेरी बेटी क्या प्लानिंग कर रही थी। आज भी उस पागल ने आपके बेटे के सर पे आई मुसीबत को अपने सर ले लिया, ताकि आपके बेटे को कुछ ना हो जाए। आपको ये याद है कि मेरी बेटी किसी के साथ फोन पे बात कर रही थी, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि आपका बेटा उस मटकी के पास था और मेरी बेटी दूर। मेरे अम्मू ने आपके बेटे को रोका और खुद चली गई मटकी के पास। ताकि इसको चोट ना लगे, ये जो खून दिखाई दे रहा है ना आपको, ये आपके बेटे का नहीं है, मेरे उस पागल। और नतीजा आप सामने देख रही हैं, आपका बेटा सही सलामत खड़ा है, मेरी अम्मू वहां खून में लग। हमेशा मुसीबत को बोल लेती है और दूसरों की जान बचाती रहती है, दूसरों की ज्यादा परवाह करती है, अपने से भी ज्यादा। क्यों करती है? क्योंकि पागल है ना मेरी बेटी, सबके बारे में सोचती रहती है, अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती। तुम बताओ, मेरी बेटी पागल है ना? तुम्हारे उस बेरहम पति से तुम्हें बचाया, आवाज उठाई उसके खिलाफ, क्यों? क्यों किया उसने ये सब? क्योंकि पागल है वो, पागल है वो। और आप कितना ताने मारती है मेरी बेटी को, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराती रहती है। घंटों रसोई में खड़े रहकर पसीना बहाकर आपके पसंद का गाना बनाती है। आपकी सिर्फ दवाई याद नहीं रखती, बल्कि हर दुआ में आपको याद करती है। कौन करता है इतना? कौन करता है? पागल ही करेगा ना, पागल है मेरी अम्मू। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।